फ्रेंड्स, आप एक ही तरह का एक मसाला खा के बोर हो चुके हैं, तो कुछ आज अलग ट्राई करते हैं। गेस कर सकते हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाफ फ्राई एग मसाला। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने एक पैन लिया, उसमें 2 स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। आपकी मर्जी, आप जो ऑयल यूज़ करते हैं उसे यूज़ करिए। फिर मैंने उसमें जीरा डाला 1/2 चम्मच। फिर मैंने उसमें एक पतला बारीक कटा हुआ प्याज डाला और इसे अच्छे से फ्राई किया। इसमें मैंने 1/2 स्पून नमक डाला, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। 1/2 स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाली, 1/2 स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। 1/2 स्पून धनिया पाउडर डाला, इनको मिक्स करने के बाद मैंने फिर इसमें 1/2 टमाटर डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे कुछ देर के लिए मैंने ढक के छोड़ दिया। ये काफ़ी सूखा लग रहा है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा गीला करने के लिए। फिर इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके इसे फिर कुछ देर के लिए मैंने ढक दिया कि टमाटर गल जाए अच्छे से। इसमें मैंने 1 स्पून एग रोस्ट मसाला डाला। आप इसमें कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एग रोस्ट मसाला नहीं है तो। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली और धनिया की पत्तियां डाल दी। मसालों का अच्छा से एक लेयर बना के फिर इसे दोनों साइड से एक सर्कल बनाना, जैसे मैं बना रही हूँ आप सेम वैसे बनाइएगा। सर्कल ऐसा बनाइए कि कहीं से ये खुला ना रहे, जैसे वैसे अगर आप खुला रहेगा तो फिर ये जो एग है बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से इसका सर्कल बनाएं। जब सर्कल बन जाए तो एग तोड़ के डाल दीजिए। देखिए ये एग बाहर नहीं निकल रहा है, आप भी सेम ऐसे बनाइएगा। देखिए दूसरा भी हो गया। फिर इस पर कुछ धनिया की पत्तियाँ छिड़क के जो साइड के मसाले थे मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का डाल दिया, और क्योंकि इससे डालने से क्या होगा, जो कि इसमें नमक है ना, इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर सारा डाल दीजिएगा। फिर इसे कुछ देर के लिए ढक दीजिए आप, ये पूरा अच्छी तरह से पक जाए एग। कुछ देर बाद इसे चेक करिए किसी फॉक से या किसी स्टिक से कि ये पका है कि नहीं इसका येलो पार्ट। देखिए येलो पार्ट इसका पक चुका है, एकदम हार्ड हो गया है। हाफ फ्राई एग मसाला रेडी है, आप इसे अच्छे से निकालिए और सर्व करिए और इसका मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।